मना कर दे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस जगह से बोलने की अनुमति चाहती हूँ आपका। ठीक। धन्यवाद, आपने मुझे 2012-2013 की रेल बजट की चर्चा पर बोलने का मौका दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में राजनीतिक परिस्थितियां बहुत तेजी के साथ में बदली है। जिस समय रेल बजट पेश हो रहा था, मुझे छत्तीसगढ़ में 8 फरवरी का वो दिन भी याद है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने संघीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस देश के रेल मंत्री को आमंत्रित किया और इस देश के रेल मंत्री जो अभी पूर्व रेल मंत्री है वो चलकर छत्तीसगढ़ में आए। छत्तीसगढ़ में आने के बाद वहाँ पर पूरे सांसदों के साथ ये पहली बार हुआ किसी मुख्यमंत्री की पहल पर, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने माननीय उपाध्यक्ष महोदय ये पहली बार शुरुआत की, छत्तीसगढ़ के पूरे सांसदों ने रेल मंत्री के साथ में चर्चा की। रेल मंत्री जी ने बहुत सी वहाँ पर योजनाओं को मूर्त रूप देने का आश्वासन दिया। यहाँ पर बजट प्रस्तुत हुआ। हम छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों ने लगातार उस पूरे बजट को बहुत ध्यान से देखा। बहुत उम्मीद थी, बहुत उम्मीद इसलिए थी कि एक बार, पहली बार संघीय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में जो कदम आगे बढ़ाया गया है, छत्तीसगढ़ इस बार उपेक्षित नहीं रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ये कहते हुए दुख है कि हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। बहुत कुछ मिला लेकिन हम बहुत कुछ की बाट फिर भी जोहते रह गए। जो चीज़ें हमें मिली हैं हम उसके लिए पूर्व रेल मंत्री जी को साधुवाद देते हैं और वर्तमान रेल मंत्री जी से ये अपेक्षा करते हैं कि जो घोषणाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एक छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो नया राज्य बना है, खनिज संसाधनों से भरपूर राज्य है, लेकिन उस राज्य में बिलासपुर जोन भी आता है जो पूरे देश का सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला क्षेत्र है, लेकिन जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो विकास की दृष्टि से वो बिलासपुर जोन जो सबसे ज़्यादा राजस्व देता है उपाध्यक्ष महोदय, उसे कुछ नहीं मिलता। हर बार हमारी आशाएं तिरोहित होती रहती हैं। मैं आपसे इस बात, आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से यह अपेक्षा करती हूँ कि छत्तीसगढ़ के साथ इस बार ये सौतेला व्यवहार बंद हो। हर बार होता यह है कि एक ही प्रांत के जहाँ के व्यक्ति होते हैं, जहाँ के मंत्री होते हैं, उसी प्रांतों में बहुत सी चीज़ें चली जाती हैं, और जब उसी प्रांतों में जाती हैं तो पूरे देश के लोग जो हमेशा ये अपेक्षा करते हैं, क्योंकि देश तो पूरे राज्य का नहीं, पूरे देश का है, और रेल अगर पूरे देश का है तो किसी राज्य में क्यों सिमट के रह जाता है, ये प्रश्न हमेशा अनुत्तरित रहता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में बहुत सी चीज़ों को एक सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विषय रहा, पूर्व रेल मंत्री जी ने औद्योगिक कॉरिडोर की वहाँ पर स्वीकृति दी थी। मैं उसके लिए उन्हें साधुवाद देती हूँ, अपने मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने प्रयास करके उस क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो भिलाई दुर्ग है। भिलाई स्टील प्लांट जहाँ पूरे देश भर के लोग रहते हैं, एक तरफ में दक्षिण भारतीय हैं, उत्तर भारतीय हैं, महाराष्ट्रियंस हैं, और इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ पर सिख समाज के भी लोग बहुतायत में रहते हैं, इसलिए भिलाई को लघु भारत कहा जाता है। लेकिन जब भी वहाँ पर कुछ देने की बात आती है तो वो लोग हमेशा ही बाट जोहते रहते हैं कि हमारे यहाँ पर भी कुछ विकास होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस विषय को रखना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्रों में बहुत सी ऐसी ट्रेनें हैं जिनकी आवश्यकता थी। कोई बहुत नई ट्रेनों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल जो वहाँ पर ट्रेनें हैं यदि उनका स्टॉपेज दे दिया जाए, यदि उन्हें वहाँ पर जो 15-16 घंटे वो ट्रेनें खड़ी रहती हैं उन्हें अगर वहाँ पर आगे तक बढ़ाने की अनुमति दे दी जाए। मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय जी, रेल मंत्री जी से यह अनुरोध करती हूँ कि इन मांगों को वो जरूर पूरा करेंगे। भिलाई में गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस जो पुणे तक जाती है उसे दुर्ग तक चलाया जाना चाहिए। उक्त ट्रेन गोंदिया में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक खड़ी रहती है। दुर्ग गोंदिया के बीच की दूरी मात्र 135 किलोमीटर है। चूंकि दुर्ग से पुणे तक एक भी रेल नहीं चलती है, यदि इस ट्रेन को दुर्ग से चलाया जाएगा तो क्षेत्र के निवासियों को पुणे तक एक सीधी रेल सुविधा प्राप्त हो जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष जी,
मैं दुर्ग से इंदौर तक एक भी सीधी रेल सेवा आज तक हम लोगों को नहीं मिल पाई है। इंदौर नागपुर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जो नागपुर से इंदौर तक चलती है, यदि उसे विस्तारित कर दुर्ग से चलाया जाए ताकि इस क्षेत्र में यहाँ रहने वाले मालवा क्षेत्र के नागरिकों को सीधे सीधे इंदौर तक रेल सुविधा प्राप्त हो सके। दुर्ग भिलाई में उत्तर प्रदेश और बिहार के भी काफ़ी नागरिक निवासरत हैं, किंतु इन राज्यों में जो ट्रेनें चलती हैं वो कम है और जो उनका समय है वो बहुत ही असुविधाजनक है। दुर्ग गोरखपुर नौतनवा एक्सप्रेस एकमात्र ट्रेन है जो दुर्ग को गोरखपुर से जोड़ती है और सप्ताह में मात्र दो ही दिन चलती है, जिसके कारण इस ट्रेन में काफ़ी भीड़ रहती है, यात्रियों को आरक्षण में काफ़ी असुविधाएँ होती हैं और इस ट्रेन को प्रतिदिन चलाए जाने की मांग मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से करना चाहती हूँ। साथ ही यह ट्रेन जो दुर्ग से रात में 8 बजे छूटती है और गोरखपुर दूसरे दिन रात 10 बजे पहुँचती है, जिससे यात्रियों को अपने निर्धारित स्थान में पहुँचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः उचित होगा कि इस ट्रेन को सुबह के समय छोड़ा जाए ताकि सभी महत्वपूर्ण स्टेशन दिन में पहुँचा जा सके। इसके अतिरिक्त दुर्ग से पटना तक एक नई ट्रेन चलाई जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिख समुदाय हमारे यहाँ पर बहुतायत है, ये हमने पहले ही बताया, और वहाँ पर जब रेल मंत्री जी वहाँ पर आए हुए थे तो उन्होंने वहाँ के सिख समुदाय के लोगों को आश्वस्त किया था कि हम आपके यहाँ पर दुर्ग गोंडवाना एक्सप्रेस जो दुर्ग से निजामुद्दीन के बीच चलती है उसे अमृतसर तक विस्तारित कर देंगे, और इसके साथ ही दुर्ग जम्मूतवी एक्सप्रेस जो दुर्ग से जम्मू के बीच चलती है उसे वाया अमृतसर चलाया जाएगा। लेकिन सिख समाज इस बात को लेकर बहुत उद्वेलित है, क्योंकि वहाँ पर रेल मंत्री जी की घोषणा के बाद भी बजट में उसे शामिल नहीं किया जा सका है। माननीय उपाध्यक्ष महादेव जी के माध्यम से मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि इस विषय को लेकर सिख समुदाय ने वहाँ पर रेल रोको आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। मेरा अनुरोध है कि उनकी बात उनकी भावनाओं को समझते हुए उसे अमृतसर तक जलाए जाने की व्यवस्था करेंगे। बेतवा एक्सप्रेस ये ट्रेन दुर्ग से कानपुर सप्ताह में 2 दिन चलती है, इसे सप्ताह में 4 दिन चलाया जाए, और इसके साथ ही सूरतपुरी ट्रेन, गांधीधामपुरी, अहमदाबादपुरी और जयपुरी पुरी एक्सप्रेस, ये 4 ट्रेन साप्ताहिक वाया संबलपुर होकर पुरी पहुंचती हैं। इन ट्रेनों को कम से कम सप्ताह में 3 दिन इनका विस्तारीकरण श्री काकाकुलम पलासा एवं बरहमपुर तक किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से एक अनुरोध और भी करना चाहती हूँ कि जिन चीज़ों की घोषणाएँ की गई वो केवल घोषणा नहीं रह जाए। होता ये है कि जब बजट प्रस्तुत किया जाता है उसमें बहुत सी चीज़ों पर घोषणाएँ होती हैं और उन्हें लिया तो जाता है, लेकिन होता यह है कि वो 10-10 वर्षों तक पूरी नहीं हो पाती हैं। माननीय रेल मंत्री जी से मेरा ये अनुरोध है कि जो घोषणाएं हैं हमारे क्षेत्र में, उन घोषणाओं पर तत्काल अमल किया जाए। जो सर्वे है उन सर्वे के लिए यदि राशि भी आवंटित की जाएगी तो बेहतर होगा। इन शब्दों के साथ ही आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।